नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास आ चुकी है। आज है 8 सितंबर और आज आपकी करंट अफेयर की क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि राजस्थान पुलिस के अंदर आपको एग्ज़ाम कराने में हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शेयर मार दीजिएगा इस वीडियो को सभी जगह। चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन वाइज एक ज़िद हमारी सरकारी नौकरी की, दोस्तों ज़िद हमें पाल के रखनी है, तभी हमें वर्दी पहन पाएंगे। दोस्तों चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों आ रहा है। पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जाके ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सुबह की क्लास अगर आपने नहीं देखी, जो कि मॉक टेस्ट हुआ था 1857 क्रांति का, तो जाके देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर क्या है, किस टेनिस खिलाड़ी को महिला अधिकारी को बॉल मारने के कारण यूएस ओपन टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने। नोवाक जोकोविच, टेनिस खिलाड़ी को महिला अधिकारी को बॉल मारने के कारण यूएस ओपन टूर्नामेंट से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ देखेंगे, अगला जो प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे? तो गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे मोदी जी। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, IAS नितीश्वर कुमार को चुना गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न लेके आए हूँ आपके सामने। हम डायरेक्ट इन पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास उस इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन हम ज़्यादा लगाने वाले हैं। तो अगला प्रश्न देखें, जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक का कोरोना के कारण क्या हो गया? निधन हो गया। अच्छा प्रश्न बनता है, क्या नाम है? रछपाल सिंह, याद रखें, रछपाल सिंह, जिनका कोरोना की वजह से क्या हो गया? निधन। वो जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक थे। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, कौन से देश ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज के दूसरे मैच में हराकर T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? खेल परिदृश्य से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसका आंसर होगा आपका इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, सरकार देश के कितने पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट लगाएगी? ये भी एक अच्छा प्रश्न है करंट अफेयर का दोस्तों। 69,000 यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट लगाने वाली है सरकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं, क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किस प्रयोगशाला में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष तैयार किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित संख्या कितनी हो गई है? आपको याद रखना है इस तरीके से। तो साथ साथ ये डेली जो आंकड़े आते हैं बदलते रहते हैं, तो कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक करते रहिए। इस तरह आंकड़ों से रिलेटेड तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने इंक्लूड कर लिया आपकी जानकारी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो है, इडनीर मठ के प्रमुख एवं संविधान के रक्षक नाम से प्रसिद्ध केशवानंद भारती का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 79 ईयर्स की वो थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बनेगा एग्जाम में देखने को मिलेगा, 7 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, विरुधुनगर, विरुधुनगर याद रखना है, कुछ इस करके नाम है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को, ये जिला है ध्यान करना, तमिलनाडु का, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांस ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एड भी आपने देखे होंगे, आयुष्मान खुराना को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में जिस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है, इसका करेक्ट आंसर हो गया रूस। तो इस तरह के प्रश्न भी हमेशा देखने को दोस्तों में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, कह रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जिसको बैंक का प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है? अच्छा प्रदर्शन है, बैंक के एग्जाम दे रहे उनके लिए भी अच्छा प्रश्न है, मुरली राम कृष्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, जिस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, कौन सा राज्य? दोस्तों आंध्र प्रदेश वह राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन करेगा? अपना देश भारत देश करने वाला है ब्रिक्स खेल की मेजबानी 2021 में, तो राइट आंसर इंडिया। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों। ईरान की नई करेंसी का नाम बताओ, तोमन। याद रखना, करेंसी से रिलेटेड एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो तोमन इसका नाम है। अगला जो प्रश्न है, विदेश से भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना का एक मिशन है समुद्र सेतु। याद रखेंगे, समुद्र सेतु मिशन चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अफ्रीकी स्वाइन फीवर, बहुत अच्छा प्रश्न है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला कहाँ पर आया है दोस्तों? असम में देखा मिला है। अगला प्रश्न देखें, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग मिला है? अच्छा प्रश्न है, केसर को। तो ये दोस्तों थे आपके इंपॉर्टेंट 20%, और यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।